हेलो एवरीवन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम फोबियाज़ सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोबियाज किसी को शरीर से डर लगता है किसी को चूहे से डर लगता है किसी को काकरोच से डर लगता है किसी को हाइट से डर लगता है तो एवरी टाइप ऑफ फोबिया हैज़ अ डिफरेंट नेम डाइविंग फ्राम जिससे उसे डर लगता है ठीक है नाव लेट्स एरो एयर से अगर किसी को डर लगेगा तो दैट इज़ एरोफोबिया इसमें एयरो से आपको मिल जाता है यहीं से आता आता है आपको एरोप्लेन भी हवा में उड़ता है ना तो दैट इज़ एरोप्लेन एनिमल्स आपको पता ही है जूलॉजी पढ़ते हो आप जू फोबिया जू यहाँ पे जू है की वर्ड ब्यूटी कैलोफोबिया अभी हम लोग वर्ड पावर मेडिजी का जब सेशन कर रहे थे तो उसमें आपको मिला था कैली ग्रेफी इसका मतलब क्या था कैली का मतलब सुंदर था ग्रेफी का मतलब राइटिंग था तो जिसकी राइटिंग सुंदर होगी दैट इज़ कैलीग्राफी तो अगर कोई बहुत सुंदर है उससे आपको डर लगता है दैट इज कैलोफोबिया बर्थ बर्थ जीनो जेनेटिक्स वहीं से रिलेटेड है तो दैट इज जेनेटिक्स जीनोफोबिया ब्लड ब्लड में क्या होता है हीमोग्लोबिन होता है हीमोग्लोबिन क्या होता है आयरन होता है तो so, जिसको डर डर लगेगा ब्लड से दैट इज हिमैटोफोबिया ब्रेस्ट मैस्टोफोबिया इसका भी ओरिजिन ब्रेस्ट से है ब्रेस्ट से बर्गल देखो जो, जो बर्गलर्स होते हैं क्या करते हैं घर में तोड़ते हैं और वहाँ और कुछ सामान चुरा लेते हैं दैट इज़ स्केलरोफोबिया जिसको बर्गलर्स से डर लगे दैट इज स्केलरोफोबिया किसी को जिंदा दफना दो उससे डर लगे उसको तो टेफेफोबिया कैट्स जिसको बिल्लियों से डर लगे एलेरोफोबिया एलेरोफोबिया जिसको डर जिसको चेंज होने से किसी भी चीज़ का नया कुछ आता है तो नियो दैट इज न्यो फोबिया देर इज अ मूवी कॉल्ड मैट्रिक्स मेट्रिक्स में क्या करता है वो न, जो मेन कैरेक्टर होता है उसका नाम क्या है प्रोटैगनिक्स का नाम नियो है क्यों बिकॉज ही ब्रिंग्स चेंज और अगर आप ब्रिटिश लिटरेचर को पढ़ोगे तो उसमें न्यू क्लासिकल एज है uh, पेंटिंग में भी न्यू क्लासिकल है न्यू क्लासिसम है ठीक है तो दैट इज न्यो फोबिया चाइल्ड बर्थ मियोस्योफोबिया तो मियोसो फोबिया क्या होता है जिसको चाइल्ड बर्थ सेटर लगे चिल्ड्रन पीडोफोबिया अभी फर्ल्ड पावर में डिजीज जब पढ़ रहे थे हम लोग तो अब उसमें मिला था आपको आ, पीडिया मिला था तो वहाँ पे बच्चा था और तो यहाँ पे क्या हो गया पीडोफोबिया कलर्स जिसको रंग से डर लगे क्रोमोफोबिया क्रोम जहाँ कलर की बात आएगी वहाँ पे क्रोमो की क्रोम की बात आएगी क्रोमोफोबिया क्राउड जिसको भीड़ भाड़ से डर लगे अक्लोफोबिया डार्कनेस निक्टोफोबिया अब निक्रोमैंसर जो होता है वो सब क्या करते हैं रात में ही काम करते हैं सारे तो क्या करते हैं ये है, है निक्टोफोबिया जिसको अंधेरे से डर लगेगा डेथ थेनेटोफोबिया अभी रिसेंटली आपकी मॉरवेल की एक मूवी आई थी जिसमें अवेंजर्स जिसमें थेनोस था थेनोस क्या करता है आधी पॉपुलेशन को मारने की कोशिश करता है तो क्या करता है ही वॉज बिकमिंग अ गॉड ऑफ डेथ ठीक है तो वहीं उसका भी नाम यहीं से निकाला गया है तो वहीं से याद कर लो थेनेटोफोबिया फोबिया थेनोस क्या करता है सबको मारने की कोशिश करता है तो दैट इज थेनेटोफोबिया डेथ जिसको गहराई से डर लगे बैथोफोबिया नहाने के लिए कहाँ जाओगे टब में घुसोगे टब कैसा गहरा होता है तो यहीं से याद कर लो बात डेप्थ बेथोफोबिया डिजीज़ पैथोफोबिया जिसको बीमार होने से डर लगे डिजीज से डर लगे दैट इज़ पैथोफोबिया पैथोजन क्या करते हैं आपको डिजीज डिजीज कर देते हैं डिजीज हो जाते हो जो आप तो आपको बीमारी हो जाती है तो पैथो चलो इसको मिटा दो थोड़ा जगह हो जाए तो पैथोजन का ही डॉक्टर डायग्नोसिस कराता है कौन सा पैथोजन है डॉक्टर्स इक्ट्रोफोबिया ठीक है अभी इसके पहले हम लोग जब पढ़ रहे थे वर्ड पावर मेडिजी तो उसमें आपको मिला था ये आइट्रो डॉक्टर्स को कहते हैं डॉक्स सीनोफोबिया सीनोफोबिया इसका ओरिजिन से आया है डाइंग थेनेटो देखो फिर से आ गया थेनेटो डेथ वाली बात एम्टीनेस कीनोफोबिया जिसको खालीपन से डर लगे अगर मैं अगर कोई चीज जगह खाली है या फिर खुद खाली बैठा है तो उससे डर लगेगा कीनोफोबिया जिसको हर चीज से डर लगे पेनेटोफोबिया पैन अगर कोई बोलता है हमारी सर्विसेज पैन इंडिया अवेलेबल मतलब हर जगह अवेलेबल है एव तो पैन का मतलब एवरीथिंग हर चीज़ से डर लगेगा अभी हम लोग वर्ड पावर में डिजीज पढ़ रहे थे तो आपको वहाँ पे मिला था एक वर्ड पैनथीस्ट पैनथीस्ट का मतलब क्या था जो आदमी हर भगवान पे बिलीव करता दैट इज पैनीस्ट और जो किसी पे बिलीव नहीं करता वो क्या था एथीस्ट आइज ऑपथेलोमोलॉजिस्ट पढ़े थे वहीं से आया है अपथेलोमोफोबिया जिसको आंखों से डर लगे आँख दिखाकर डरा देता है ठीक है फियर फिर आपको पता है फोबिया ही पढ़ रहे है तो फोबोफोबिया जिसको डर से भी डर लग जाए मुझे किसी चीज से डर ना लग जाए ऐसा वाला फीसेस फीसेस क्या होता है जब आप सुबह जाते हो स्टूल निकालते हो स्टूल का मतलब जब आप एक्सक्रीट एक्सक्रीट करते हो सुबह में पार्टी करते हो तो एक्सक्रीटरी मटेरियल को स्टूल कहते हैं जिसको उससे डर लगे तो वो क्या है कोप्रोफोबिया हमारी एम्बर हर्ड है <laughs> चलो फीट पोडोफोबिया यहीं से आया था पेडेस्ट्रियन यहीं से आ गया फोडोफोबिया जिसको पोडोफोबिया uh, जिसको पैरों से डर लगे फीमेल जेनाइटल्स जिसको फीमेल जेनाइटल से डर लगे फीमेल जेनाइटल क्या है वजाइना दैट इज़ यूरोटोफोबिया जिसको फिल्थ से डर लगे गंदगी से डर लगे मिसोफोबिया फायर पायरोफोबिया पायरोप्रैक्टर अभी आया था जब हम लोग पढ़ रहे थे तो जिसको पायरो यहाँ पे कीवर्ड है फायर के लिए फिश स किसके लिए आया है इस्तीयो फिश के लिए आया फोबिया जिसको मछलियों से डर लगे फॉग होमिक्लोफोबिया जिसको मेढको uh, से डर ल... सॉरी 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 जिसको फॉग से डर लगे फॉग होता है जब आप ठंडियों में देखते हो फॉग हो जाता है एक सिल्की सी एयर हो जाती है मिल्की मिल्की सी और आपको दिखता नहीं आगे कुछ भी दैट इज फॉग तो जिसको फॉग से डर लगे होमिक्लोफोबिया समटाइम्स फॉक क्रिएट किया जाता है आर्टिफिशियल बाई ड्राई आइस दैट इज सॉलिड कार्बन डाईऑक्साइड ऑन द स्टेजेस जिसको uh, किसी को उसे डर लग सकता है फूड सीबोफोबिया सीबो इटालियन है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा सीबोफोबिया फॉरनर जीनोफोबिया इसका अभी आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ पेपर्स में आप सुने होंगे जीनोफोबिया जिसको फॉरनर से डर लगे फॉरन एजमेंट से डर लगे किसी भी चीज़ से जो आपकी रिलेटेड नहीं है वो जीनोफोबिया उससे डर लग जाए फ्रीक्स कुछ लोग होते हैं जो फ्रीक होते हैं मतलब फ्रीक का मतलब अजीब ही लगता है उनको देख कर डर लग जाए आपको वो मतलब आ, हर चीज़ को अजीब तरीके से करेंगे दैट इज़ फ्रीक तो ये क्या है टेरेटोफोबिया फ्रॉक्स बेट्रैको फोबिया गोस्ट फेज्मोफोबिया यहाँ फेजमो से याद कर सकते हो फेज मतलब जिसका कोई फेज़ है ही नहीं वो कहीं भी घूम से फिर सकता है दीवार से आर पार कर गया दरवाजे से आर पार कर गया तो उसका कोई फेज़ है नहीं तो दैट इज़ फेजमोफोबिया गोस्ट के लिए कायरोफोबिया देखो तो कायरो आ गया कायरो फोबिया जिसको हाथों से डर लगे कारोपेक्टर क्या करता था अपने हाथों से आपको मसाज करके ठीक करता था हेयर ट्रेस में आता है देखो वहीं से याद कर लो ट्रिको ट्राइकोफोबिया ट्राइकोफोबिया हीलर और हीलिंग एट्रोफोबिया। देखो ये डॉक्टर वाला ही है कहाँ गया डॉक्टर देखो यट्रोफोबिया दोनों सेम है हीलर ई एक्ट्रो हीट थर्म थर्मोमीटर आपके घर में इस्तेमाल होता ही है थर्मोमीटर तो थर्मोफोबिया हेल जिसको हेल से डर लगे जो है भी नहीं इस्टिजियोफोबियाटेजियोफोबिया हॉर्सेस हिप्पोफोबिया हिप्पोपोटामस से याद कर लो हिप्पो भी हॉर्स है ठीक है हिप्पोफोबिया इंसेक्ट इंटोमोफोबिया इंसेक्ट इंटोमोफोबिया आगे चलो नाइफ्स एस्कोमोफोबिया नॉलेज जिसको नॉलेज से डर लगे मैं ज़्यादा ज्ञान ना हो जाए मेरे पास जिनोसोफोबिया ये कुछ ज़्यादा ही लिजेंडरी लोग हैं जिनोसोफोबिया ऐसे इसको जी साइलेंट कर लो नोजियोफोबिया लार्ज थिंग्स मेगलोफोबिया देखो मेगा का मतलब लार्ज होता है मेगलोफोबिया अभी आया था मेगनानिमस वहीं से याद कर लो लार्ज मेगलोफोबिया लाइट फोटो फोटोन से याद कर लो फोटोफोबिया लाइट लाइटनिंग एस्ट्रोफोबिया ठीक है एस्ट्रॉन एस्ट्रो मेल्स एंड्रो एंड्रो एंड्रोजन एंड्रोफोबिया मेनी थिंग्स जिसको हर चीज़ से बहुत डिफरेंट चीज़ों से डर लगे जिसको हर चीज़ से डर लगेगा पैनफोबिया जिसको बहुत ढेर सारी चीज डर लग रहा है पॉलीफोबिया मैरिज गैमोफोबिया अभी इसके पहले आया था जिसमें आपने देखा होगा कि न, आ, आ, क्या था वो पौली गेमी, पौली गेमी। गेमी, गेमस का क्या मतलब था यहां पे मैरिज जैसे ही यहां पे गैमी है गैमी का मतलब मैरिज तो पॉलीफोबिया मेडिसिन देखो फार्मेसी जाते हो फार्मेकोफोबिया माइस जिसको चूहों से डर लगे म्यूज म्यूजोफोबिया मिरर्स स्पेक्ट्रोफोबिया इस्पेक्टर क्या करते हो आप अपने आप को देखते रहते हो ना इस्पेक्ट करते हो ना मिरर में स्पेक्टोफोबिया मॉब्स मॉब्स मतलब जो गुंडे बदमाश हैं अकलोफोबिया मदरहुड मेट्रोफोबिया इसके पहले अभी पढ़े थे मेट्रो में मोशन कैनिसोफोबिया जिसको मोशन से डर लगता है कार में बैठ गया तो अरे मोशन होगा डर लगेगा नेकेडनेस जिमिनोस्पर्म याद करो नेकेड सीट जिमिनोफोबिया नीडल्स बलइनोफोबिया न्यूनेस फेस वही नयापन न्यू आ गया न्यूफोबिया नाइट निक्टोफोबिया सेम चीज़ रिपीट हो रही है रातों से डर लग रहा है उसको uh, अच्छा फोबिया का उल्टा क्या होगा किसी चीज़ को किसी किस से डर लग रहा है अब मान लो किसी चीज़ को किसी को देख देख के प्यार हो जाए फीलिया फीलिया मतलब प्यार होना तो अगर मान लेते कोई पीडियोफिलिक है दैट इज अ डेरोटरी टर्म बच्चों से वो सेक्सुअल तरीके से प्यार करता है मतलब जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज होता है अब्यूज होते हैं उसके जितने भी होते हैं आ, विक्टिम्स सॉरी जितने भी आ, प्रोसिक्यूटर्स होते हैं वो क्या होते हैं पीडियोफिलिक होते हैं ठीक है फिल मतलब प्यार मान लेते हैं यहीं पर एक वर्ड निकाल लो नाइट से जिसको प्यार हो निक्टोफिलिक ओशियंस थेफोबिया थल्लासोफोबिया बड़ा नाम सुन के लग रहा है ऑर्डर ऑस्मोफोबिया ओल्ड एज अभी आया था जेरेट्रिशियन वहीं से आ गया जेरो जेराफोबिया जिसको ओल्ड लोगों को देखकर डर लगे जेरेंटोफोबिया ये भी वहीं से है ओल्ड पेन एग्लोफोबिया जिसको या ऑर्डाइनोफोबिया जिसको दर्द से डर लगता है अरे यार इंजेक्शन लगेगा बहुत दर्द होगा तो एंग्लोफोबिया पीपल डेमो अभी डेमोगॉग आया था वहीं से डेमोफोबिया प्लांट्स बोटैनोफोबिया प्लांट्स अभी एनिमल आया था जू वैसे ही प्लांट्स आ गए बोटैनिकल गार्डन बोटैनिको बोटैनोफोबिया प्लेजर जिसको जर से डर लगे अरे यार बहुत बहुत ज्यादा सुख ना मिल जाए मुझे हेडेनोफोबिया पॉइजन टैक्सिकोफोबिया जिसको पॉइजन से डर लगता है पॉवर्टी पीनियोफोबिया जिसके पास एक पेनी नहीं है जिंदा रहने के लिए दैट इज पेनोफोबिया पॉवर्टी गरीबी में है प्रोस्टिट्यूशन पॉर्नोफोबिया जिसको प्रोस्टिट्यूशन ट्यूशन से डर लगता है वो पॉर्नोफोबिया पनिशमेंट से जिसको डर लगता है पोमोफोबिया पोमोडर टेक्निक सुने हो टेक्निक क्या होता है उसमें पनिशमेंट कम की जाती है क्या किया जाता है पच्चीस मिनट पढ़ो पाँच मिनट रेस्ट मारो फिर पच्चीस मिनट पढ़ो पाँच मिनट कम पढ़ो ऐसा पाँच मिनट रेस्ट करो ऐसा नहीं कि तीन घंटे लगातार बैठ जाओ तो ये पनिशमेंट को कम किया जा रहा है तो पोमोफोबिया रेन अम्ब्रोफोबिया रेड एरिथ्रोफोबिया एरिथ्रोफोबिया कहाँ से है ये भी ब्लड से ही है ब्लड में क्या है? अ, होता है अरिथ्रो ब्ला ब्लास्टिस होता है अरेस्थ्रो ब्लास्ट होते हैं और वहीं से एक डिजीज़ भी अरिथ्रो ब्लास्टोटिस फिटाइलिस आर बी सी अरिथ्रो ब्लैक अरिथ्रो है ये तो अरिथ्रोफोबिया जिसको रेड कलर से डर लगे रिवर्स पोटामोफोबिया रॉबर्स हरपैक्सोफोबिया सेमनेस जिसको सेम चीजों से डर लगे होमोफोबिया ठीक है होमोफोबिक सेक्स जीनोफोबिया देखो सेक्स अभी बर्थ से भी आया था तो वो भी जीन से ही रिलेटेड था बर्थ सेक्स जीनोफोबिया सेक्सुअल इंटरकोर्स से जिसको डर लगे क्वाइटस सेक्शुअल इंटरकोर्स को क्वाइटस कहते हैं तो क्वाइटोफोबिया सीनिंग पेकाटोफोबिया सीनिंग मतलब जिसको पाप करने से डर लगे दैट इज पेकाटोफोबिया स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो जब स्किन की प्रॉब्लम होती है तो वहीं से आया डर्मेटोफोबिया स्लीप जिसको डर सोने से डर लगे हिप्नोफोबिया हिप्नोसिस वहीं से आया हिप्नोसिस में सुला देते हो स्मॉल थिंग्स जिसको छोटी चीज़ों से डर लगेगा दैट इज माइक्रोफोबिया और अगर बड़ी चीज़ से डर लगेगा तो मैगलो सॉरी मेगा मेगालोफोबिया देखो ये कहीं आया था देखो ये रहा मेगालोफोबिया बड़ा चीज छोटा चीज़ माइक्रोफोबिया किसी को इस स्मोद्रिंग इस से डर लगता है तो दैट इज निगारोफोबिया चलो आ जाओ आगे ठीक स्नैक से किसी को डर लगता है ओफिडियोफोबिया स्नो से डर लगता है स्नो आ रही है उससे आपको डर लग रहा है तो कियानोफोबिया सोलिट्यूड अकेलेपन से डर लगता है तो अकेलापन यानी ऑटो ऑटोफोबिया या, या मोनोफोबिया अकेले हो सिंगल ही आदमी हो अब साउंड आ गया एकॉस्टिको वह आवाज हो जाएगी तो डर लगेगा ठीक है स्पीकिंग ललोफोबिया स्पीकिंग अलाउड फोनोफोबिया जोर से बोलने से जिसको डर लगता है फोनोफोबिया स्पीच दैट इज लोगोफोबिया स्पाइडर्स आर्कैनियोफोबिया स्टेयर्स क्लामैकोफोबिया स्टार्स जिसको डर लगेगा साइड्रोफोबिया स्टीलिंग क्लिप्टोफोबिया और जो करेगा वो आ, किसी को चोरी करने की बीमारी होती है दैट इज क्लिप्टोमिया हो जाता है वो चोरी के बिना रहा नहीं जा रहा स्टिलनेस बहुत शांत पानी देख के उसे डर लगेगा दैट इज इरीमियो फोबिया और अगर उससे प्यार हो जाए इरीमियोफिल इीमोफीलिया स्ट्रेंजर अभी आया था जीनोफिलिक आ गया था और तो यहाँ पे आ गया जीनोफोबिया स्ट्रेंजर से प्यार ओगोफिलिक डर लगेगा जीनोफोबिया स्ट्रेंथ जिसको बहुत ज़्यादा ताकत से डर लगेगा स्टेनोफोबिया स्टडी जिसको पढ़ने से तकलीफ होगी दैट इज लोगोफोबिया चलो आगे सनलाइट से डर लगेगा हीलो हीलियोफोबिया टेपोम से टेनियोफोबिया टेपॉर्म पेट में पाया जाता है आपको डिजीज कॉज करता है टेस्ट से आ, यूमो जिनोमोफोबिया ठीक है टीथ दांत से डर लगेगा ओडांटो थीफ से डर लगेगा क्लिप्टोफोबिया देखो चोरी फिर से आ गई आ, थिंकिंग से जिसको सोचने से डर लगेगा फ्रोनो फ्रोनीमो फोबिया थर्टीन नंबर थर्टीन से जिसको डर लगेगा बहुत सारे कंट्रीज में कुछ मिथ है कि थर्टीन नंबर से उन्हें डर लगता है सेवन नंबर से डर लगता है दैट इज़ ट्रिस्काइडिकोफोबिया थर्स्ट प्यास लगने से डर लगेगा तो डिप्सोफोबिया थंडर से डर लगेगा ब्रोंटोफोबिया टाइम टाइम क्रोमैन तो क्रोनोफोबिया क्रोनोलॉजी वहीं से आया है सेम है रूट वर्ड क्रोनो टुगेदरनेस सिंक में अगर कोई गाना गा रहा है उससे डर लगेगा सिनोकोफोबिया सिंक है ना यहीं से सिनोफोबिया ट्रैवल होडोफोबिया जिसको ट्रैवलिंग से डर लगेगा अगलीनेस अब देखो सुंदर आया था कैली कैल कैली आया था ना अब यहाँ खराब राइटिंग को क्या बोलते थे कैको तो ये आ गया कैकोफोबिया वॉइसेस जिसको अलग अलग आवाज़ों से डर लगेगा दैट इज फिनोमोफोबिया वामिटिंग से डर लगेगा इमेटोफोबिया वॉकिंग से डर लगेगा बेसी फोबिया देखने से डर लगेगा इस्कोप्टो uh, इस्कोप्टोफोबिया वाटर हाइड्रो आ गया हाइड्रोफोबिया डर लगेगा कमजोरी से एस्थेनोफोबिया ठीक है वेल्थ प्लूटोफोबिया अच्छा यहीं से एक और चीज़ आती है प्लूटो को प्लैनेट ऑफ वेल्थ भी बोला जाता है प्लैनेट ऑफ वेल्थ ठीक है और अगर यहीं से एक वर्ड है प्लूटोक्रेसी प्लूटोक्रेसी का क्या मतलब होता है प्लूटोक्रेसी मतलब अगर किसी जगह पर धनी लोगों का शासन है धनी लोग अगर कहीं राज करते हैं तो दैट इज प्लूटोक्रेसी डेमोक्रेसी क्या होता है जहां लोगों का शासन होता है ऑटोक्रेसी जहां खुद का शासन होता है ठीक है चलो विंड एनीमोफोबिया ऊपर आ चुका है एयर विंड सेम चीज़ जिनको डर लगेगा औरतों से जिनोफोबिया सॉरी गाइनीफोबिया यहीं से आता है तुम्हारा गाइनिया भी आते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं वर्ड्स जिनको वर्ड से डर लगेगा लोगोफोबिया वर्क से डर लगेगा एर्गोफोबिया ergo, एर्गोनॉमिक्स ये काम कैसे करता है उसकी एर्गोनॉमिक्स आप जानना चाहते हो ठीक है राइटिंग से जिसको डर लगेगा ग्रेफोफोबिया राइटिंग राइट लिखने का मतलब ग्रैफिंग ग्राफ वहीं से आया है चलो कुछ फोबियाज के बारे में हमने जान लिया है तो दैट्स सॉल्व आई थिंक और अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के बाय बाय